न्यू स्टेशन में हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देखने को मिलता है। हम लोग के न्यू स्टेशन में हर समय राम और रहीम रहता है, जहाँ पर उर्दू और हिंदी रहता है। हिंदी निकाल देंगे तो उर्दू खत्म हो जाएगा, उर्दू निकाल देंगे तो हिंदी, राम निकाल देंगे तो रहीम खत्म हो जाएगा, रहीम निकाल देंगे तो राम। हम लोग एक साथ एक कंधे बचपन से हम लोग यहीं पले हैं, यहीं बड़े हैं, और हम लोग हर सुख दुख में साथ रहते हैं। हम भारतवर्ष के सारे लोगों से कहें कि यहाँ पर आके सीख लें कि हम लोग एक दूसरे के पर्व में, एक दूसरे के त्यौहार में, चाहे दीपावली हो, छठ हो या दुर्गा पूजा हो, हम लोग उनके पर्व में सब एक साथ रहते हैं। और हम यही शुभकामनाएँ करें कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और हम लोग सब भाई मिल के देश के रक्षा के लिए, देश के अखंडता, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सही सहयोग करें। आज हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करती है धनबाद का पुराना बाजार न्यू स्टेशन कॉलोनी। बता दें यहाँ 69 साल से दुर्गा पूजा होता आ रहा है, जहाँ आयोजकों में हिंदू के साथ मुस्लिम परिवार भी शामिल होते हैं। यह दुर्गा पूजा सांप्रदायिक सौहार्द, सद्भाव और एकता का मिसाल बन गया है। हमारा देश विभिन्न जाति और धर्म वाला देश है, यहाँ के लोग विभिन्नताओं में एकता पर विश्वास करते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तब देखने को मिलता है जब लोग एक दूसरे को त्यौहारों में शामिल होकर इसका आनंद उठाते हैं। पुराना बाजार न्यू स्टेशन कॉलोनी में कुछ ऐसा ही नज़ारा यहां देखने को मिला। दुर्गा पूजा आयोजन मुन्ना सिंह, दिलीप सिंह एवं दर्जनों सहयोगियों के द्वारा यहां दुर्गा पूजा किया जा रहा है, और वहीं इस पूजा में पुराना बाजार में मुस्लिम समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर दुर्गा पूजा मनाते हैं और ढोल नगाड़ों के साथ माँ दुर्गा को अंतिम विदाई भी देते हैं। वहीं आज दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर माँ दुर्गा को विदाई दी। सुने हमारे चैनल के माध्यम से क्या कह रहे हैं दोनों समुदाय के लोग। मैं दुर्गा पूजा करने की और मस्जिद करने की और यहाँ के लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत दिनों से राजनीति करता हूँ, कम से कम हम 16 लाइफ से ही गुरु नानक कॉलेज का अध्यक्ष भी रहा, उस समय 86 से हमने तैयारी कर रहे हैं। मैं ऐसा शांति और इतना अच्छा भाईचारा हमने अभी तक नहीं देखा, और ना हमको लगता कि भविष्य में हमको देखने को मिलेगा। अगर इस तरह के लोग सबक लेगा, लोग देश में अमन चैन हमेशा बना रहे, इस तरह का लोग अगर समझ जाए। अभी हम लोग नाश्ता किए, पानी पिए, उसके बाद आराम से मस्जिद के होते हुए माँ दुर्गा का प्रतिमा चली जाए, उसके बाद भी प्रेम से हम लोग को यहाँ बैठा के इज्जत और सम्मान दिया है। इसके लिए मस्जिद कमेटी, रोड कमेटी, क्या जितने भी लोग हैं हमारे भाई बैठे हुए साथ में, सभी को तहे दिल का धन्यवाद। सदर साहब उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसा व्यवस्था हमने अभी तक कहीं नहीं देखी, और प्रशासन जिला प्रशासन का भी इसमें धन्यवाद का पात्र है। जिला प्रशासन ने बहुत सूझबूझ के पक्ष दिया है, थाना प्रभारी हूँ, DSP साहब हूँ, SP साहब, ये बहुत यहीं कि नहीं, हम बहुत जगह घूम रहे हैं, तो धन्यवाद। जिला प्रिंसिपल है, एकदम शांति है और बहुत अच्छा से माता का विसर्जन हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सबसे बड़ा ये अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिम का जामे मस्जिद में सारे मेम्बरान अहदेदार सब पूरे आवाम के साथ यहाँ पर जो दुर्गा भसान, दुर्गा पूजा की जो विसर्जन के दिन आज पूरे लोग उस कमेटी के, जो पूजा कमेटी के लोग हैं और अंजुमन के जितने कमेटी के लोग हैं, ये सब मिल करके शांतिपूर्वक से आज जो माता रानी का जो माने विदाई हुआ है, विसर्जन हुआ है, इसमें शांतिपूर्वक से इस जगह से जैसे हर साल जिस तरीके से निकलता है, सब मिल करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल करके यहाँ पर जो एकता का पैगाम दिया जाता है, अल्लाह का कर्म से हर साल शांतिपूर्वक से दिया है, और इंशाल्लाह हमारे बाद जो भी इस जगह पे आएंगे अल्लाह पाक इसी तरह से मिल करके ये दुर्गा पूजा को विदाई देने का सारा अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन का लोग और आवाम सब मिल करके इस पूजे का अच्छे तरीके से भाईचारगी का पैगाम। हर नगर देखना है, भाईचारा कहीं देखना है, हिंदू मुस्लिम का जो एकता देखना है, जो गंगे जमुनी तहजीब देखनी है, तो सही मायने में यहाँ जो न्यू स्टेशन कॉलोनी का माँ दुर्गा का प्रतिमा का विसर्जन का प्रोसेशन जो निकलता है, यहाँ जो सौहार्द है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और सही में धनबाद की माटी जो है अपनी भाईचारे के लिए, सौहार्द के लिए, एकता के लिए जानी जाती है। आज ये जो विसर्जन कई वर्षों से, हमको लगता है कि 60 वर्ष से इस रास्ते से विसर्जन करके जाता है, विसर्जन के लिए माँ दुर्गा का प्रतिमा यहाँ से जाता है, ये अपने आप में एक मिसाल है कि हिंदू होते हैं या मुसलमान होते हैं, सब कोई देखिए यहाँ कदम से
से कदम मिला के खड़े हैं, छोटा भाई दिलीप सिंह है, बड़े भाई उदय प्रताप सिंह है, बाकी यहाँ सारे लोग हैं, सारे सामाजिक लोग हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी केरे दिख जाता है कि हम बटेंगे ही नहीं, हम हिंदू मुसलमान नहीं पढ़ेंगे, हम इंसान हैं, इंसानियत के फॉलोवर हैं और मुझे गर्व है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा गर्व है कि मैं भारतीय मुसलमान, तो भारत की तहजीब संस्कृति और यहाँ की माटी की खुशबू जो आपसी भाईचारा एकता सौहार्द का मिसाल कायम करती है जो आज इस संदर्भ के लिए देखने को मिलती है।